हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 15 IMP NRAY। इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस, मैलोक फंक्शन, कैलोक फंक्शन, फ्री फंक्शन एंड रीअलोक फंक्शन। स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अलोकेट मेमोरी बाय द वेरिएबल एट रन टाइम। इट इज़ पॉसिबल बाय मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन दैट कैन बी यूज फॉर अलोकेटिंग एंड फ्रीइंग मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो रन टाइम में पूछता है कि एंटर वैल्यूज़, तो हम कीबोर्ड से कोई वैल्यूज एंटर करते हैं। तो जब हम डायनेमिक मीन्स रन टाइम पे हम कोई मेमोरी मीन्स हम कोई जो एंटर करते हैं कोई भी वेरिएबल हम स्टोर कराते हैं, या जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो उस टाइम मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो हम डेटा एंटर करते हैं। तो इस तरह से, और फिर मेमोरी जो हमने ऑक्यूपाई की है तो लास्ट टाइम में जब प्रोग्राम जब मीन्स जो प्रोग्राम एग्जिट होता है या जो टर्मिनेट होता है, तो जो मेमोरी में एलो स्पेस ऑक्यूपाई हुई वो लास्ट में जब प्रोग्राम एग्जिट मीन्स एग्जिट होने के बाद उस मेमोरी को फ्री भी करता है। तो इस तरह से वो मेमोरी को अलोकेट करता है। अब डायनेमिक मेमोरी का बेनिफिट यह होता है क्योंकि यदि हम पहले ही मेमोरी ऑक्यूपाई कर दें, मीन्स सपोज मुझे रिक्वायरमेंट है 100 बाइट्स की और मैंने पहले से ही उसको 200 बाइट मीन्स पहले से मेमोरी ऑक्यूपाई मीन्स साइज दे दी, तो इस तरह से अननेसेसरी प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती है क्योंकि उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। साथ में उसके रन टाइम, प्रोग्राम जब रन होता है तो उसके रन टाइम पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो डायनेमिक मेमोरी एग्जैक्ट जो हमें मेमोरी में साइज ऑक्यूपाई करनी है वो एग्जैक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई में एलोकेट होती है। तो इसमें कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। पहला होता है मेलो फंक्शन। मेलो फंक्शन एलोकेट रिक्वेस्ट साइज ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेट स्पेस। फिर सेकंड फंक्शन है कैलोक फंक्शन। एलोकेट स्पेस फॉर एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, इनिशियलाइजेस देम टू 0 एंड देन रिटर्न अ पॉइंटर टू मेमोरी। और फ्री फंक्शन क्या करता है, जो फ्री जो हमने स्पेस एलोकेट किया उसको फ्री करता है एलोकेटेड स्पेस को। और री एलोकेट फंक्शन, जो हमने स्पेस एलोकेट किया है तो उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं। जैसे हमने 10 बाइट्स ली हैं और मुझे 20 बाइट्स की ज़रूरत है, तो हम री एलोकेट फंक्शन के थ्रू हम वो 10 बाइट्स को हम उनकी साइज़ को इंक्रीज मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं, 20 एलोकेट कर सकते हैं। या हमने साइज 20 ली, मुझे 10 की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस तरह से मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस है। तो इस तरह से जो मेमोरी किस तरह से मेमोरी में ऑक्यूपाई होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं या ऑक्यूपाई होते हैं। फ्री यहाँ पे फ्री मेमोरी जो है हीप हीप के थ्रू फिर मेमोरी को मैनेज किया जाता है कि मेमोरी अलोकेट मीन्स मेमोरी स्पेस फ्री है या नहीं है, वो हीप के थ्रू मैनेज किया जाता है। और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल और सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो परमानेंट स्टोरेज होते हैं उसमें मीन्स मैनेज होते हैं। तो इस तरह से सी प्रोग्राम का जो मैनेजमेंट है जो वेरिएबल का किस तरह से मेमोरी में ऑक्यूपाई होता है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैलोक फंक्शन। तो मैलोक फंक्शन, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेटेड यूजिंग द मैलोक फंक्शन। द मैलोक फंक्शन रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड। वी कैन असाइन इट एनी टाइप ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैलोक फंक्शन, यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे हमने लिया कास्ट टाइप पॉइंटर मैलोक बाइट साइज। तो यहाँ पे आप मैलोक जो भी हमको बाइट साइज चाहिए वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर द पॉइंटर इज अ पॉइंटर टाइप, तो पॉइंटर एक पॉइंटर टाइप है ये, और द मैलोक फंक्शन रिटर्न अ पॉइंटर।
यहाँ पे मेलो फंक्शन जो भी साइज है इसको रिटर्न करेगा, और फिर यहाँ इसके बाद ये पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो ऑफ टाइप कास्ट जो द मेलो जो रिटर्न करता है वो एक टाइप कास्ट का जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते इंट पॉइंटर मेलोक और 100 साइज उसकी साइज ऑफ इंट, तो उसकी जो साइज मींस 100 टाइम जो भी इंटीजर की साइज होगी मल्टीप्लाई होकर वैल्यू फंक्शन उसको ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू मींस इसके एक्स में स्टोर हो जाएगी जो भी उसकी साइज अलोकेट होगी। तो यहाँ पर टाइप कास्ट मतलब उसका कोई इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो कन्वर्ट करेगा, मींस टाइप कास्ट मींस कन्वर्जन करना। तो आ मेमोरी स्पेस 100 टाइम्स द साइज ऑफ एन इंट, तो इंट की जो भी साइज होगी वो 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर और एक्स में स्टोर हो जाएगी, एंड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड। और जो जो मेमोरी का एड्रेस है वो फर्स्ट जो जहाँ से मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही वहाँ से उसको असाइन हो जाएगा। तो यहाँ से ये इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सी पॉइंटर मतलब कैरेक्टर एक पॉइंटर है, और कैरेक्टर पॉइंटर मेलोक 10, तो 10 बाइट हमने मेलोक से इसको ऑक्यूपाई की और कैरेक्टर पॉइंटर इसमें मीन्स स्टोर करेगा कैरेक्टर पॉइंटर में। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आप देखेंगे कैरेक्टर एक पॉइंटर है और एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट मतलब कैरेक्टर पॉइंटर क्या करेगा, जो हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई ही है तो ऑक्यूपाई की है मेमोरी में तो स्पेस, तो वो कैरेक्टर पॉइंटर जो फर्स्ट बाइट है जो मेमोरी जो जहाँ हमने 10 बाइट से ऑक्यूपाई की है तो फर्स्ट बाइट को मीन्स उसको मीन्स पॉइंट करेगा। ओके, तो द मेलो अलोकेट मेमोरी ब्लॉक ऑफ कंटीजियस बाइट मीन्स कंटीजियस बाइट ही अलोकेट करता, मीन्स जो जो सिक्वेंशियली बोल सकते हैं हम, द अलोकेशन कैन फेल इफ द स्पेस इज इन द हीप इज नॉट सफिशियंट टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, इट फेल देन रिटर्न नल। इट मीन्स जो हीप के थ्रू ही मैनेज होता है स्पेस, यदि हमने 10 बाइट स्पेस उसमें अलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट दी और यदि 10 बाइट वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती हैं तो हीप क्या करेगा, फिर वो नल मीन्स वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा तो नल वैल्यू उसको रिटर्न करेगा क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है। इस प्रोग्राम से समझते हैं कि किस तरह से जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है मेलोक के थ्रू मेलोक फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर मेन फंक्शन है इंट पॉइंटर पी टेबल, एक पॉइंटर नाम की टेबल ली, और इंट साइज प्रिंट एफ व्हाट इज द साइज ऑफ टेबल, तो यहाँ पर मैसेज के थ्रू पूछेगा कि आपको टेबल की साइज क्या चाहिए, तो इसके ने फंक्शन स्कैन करेगा जो भी हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आउटपुट में आप देख लीजिए कि सबसे पहले व्हाट इज द साइज ऑफ टेबल ये पूछेगा, तो आपने सपोज 5 यहाँ एंटर किया तो 5 स्कैन फंक्शन यहाँ 5 स्कैन करेगा और इसमें स्टोर करेगा। इसके बाद इफ टेबल इज इक्वल टू इंट, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की पॉइंटर लिया मेलोक साइज ऑफ इंट, और यहाँ पे हमने जो 5 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर मीन्स इंटीजर टाइप की जो 5 यहाँ पे मीन्स अलोकेट होगी साइज और यहाँ टेबल में स्टोर होगी, है हाँ ना। और यहाँ पे इज इक्वल टू नल, यदि यहाँ पे मेमोरी अलोकेट होती है और वो यदि मेमोरी अवेलेबल रहती है तो आपको मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, अदरवाइज नल मीन्स नल मीन्स यदि ये कंडीशन ट्रू होती है मीन्स जो आपका जो स्पेस है वो अवेलेबल नहीं रहता है नल होता है, तो फिर क्या करेगा प्रिंट एक मैसेज प्रिंट होगा नो स्पेस अवेलेबल और एग्जिट, तो एग्जिट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। और यदि कंडीशन ये नल नहीं होती है तो फिर आपका जो मेमोरी है वो अलोकेट हो जाती है और नेक्स्ट मैसेज मीन्स कंपाइलर यहाँ पर प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इज, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट तो फर्स्ट बाइट का जो भी एड्रेस रहेगा वो प्रिंट होगा। इसके बाद फिर प्रिंट होगा इनपुट टेबल वैल्यूज, तो आप टेबल वैल्यूज यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा और यहाँ पर आप मैनुअली या डायनेमिकली मीन्स जो भी आप वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे 5 वैल्यू, तो आपने इनपुट की 21 22 23 24 25, तो यहाँ पे एरे के थ्रू ही 5 वैल्यूज को यहाँ पे स्कैन करेगा। तो यहाँ पे आप मीन्स लूप के थ्रू यहाँ पे आपने लूप लगाया तो यहाँ पे टेबल जो है पी इज इक्वल टू टेबल
और पी टेबल लेस देन टेबल एंड प्लस साइज और प्लस पी प्लस प्लस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा टेबल की साइज़ जो जैसे सपोज टेबल की साइज 5 थी है ना, तो 5 से यहाँ पे 5 जो है तो यहाँ पे पी जो वैल्यूज है तो पी से यहाँ कंपेयर होगा कि पी की जो साइज़ है तो पी से यहाँ वैल्यू चेक होगी कि कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपकी साइज़ यहाँ कंपेयर होगी फॉर लूप से, और इसके बाद उसकी साइज़ प्लस मीन साइज़ उसकी इंक्रीज होगी, और पी प्लस प्लस मीन जो पी की साइज़ है वो इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले जो पी की साइज़ है वो उससे कंपेयर होगा, तो टेबल की साइज़ 5 है और पी की साइज़ जो स्टार्टिंग में मीन्स उसकी वैल्यू पी की साइज़ शायद 0 या 1 रहेगी। ओके, तो इनिशियल वैल्यू आई थिंक 1 रहेगी, तो 1 से यहाँ कंपेयर होगा, 1 लेस देन टेबल साइज आई शायद पी की साइज़ 0 रहेगी। ओके, क्योंकि ये लूप 5 टाइम चलेगा, तो यहाँ पर 0 लेस देन टेबल, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम लूप यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इसके बाद फिर यहाँ पहला वेरिएबल जो हमने एंटर किया 21, तो 21 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसका फिर सेकंड टाइम फिर लूप चलेगा, तो सेकंड टाइम फिर पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 से, तो 2 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी 0 से, तो फिर इसके बाद 1 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है, और यहाँ प्लस साइज की साइज़ इंक्रीज होगी। तो इस तरह से फिर मींस जो उसकी साइज़ है वो भी इंक्रीज होगी, फिर दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा। तो इस तरह से 5 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे फर्स्ट फॉर लूप से। फिर सेकंड फॉर लूप से जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो पहला वैल्यू प्रिंट करेगा प्रिंट एफ जो 25 इज स्टोर्ड एट एड्रेस 44। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे जो 21 था, तो 21 का जो पहला जो फर्स्ट बाइट स्टोरेज था 4462, तो 4462 जो है पहला जो एड्रेस था 21 का, तो वो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होता है। इसके बाद जो सेकंड जो है 22, तो 22 एक मींस 2 ब्लॉक इंक्रीज होता है क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस 64 हो जाता है, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। इस तरह से 66 2 बाइट यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर में। तो ये जो फॉर लूप है सेकंड वाला वो 5ों एलिमेंट्स को यहाँ प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप मैलोक फंक्शन के थ्रू किस तरह से मेमोरी ऑक्यूपाई करा सकते हैं डायनेमिकली। कैलोक फंक्शन, द कैलोक फंक्शन अलोकेट मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज ईच ऑफ द सेम साइज। तो कैलोक फंक्शन सेम मैलोक जैसा ही है, बट इसमें मल्टीपल ब्लॉक स्टोरेज स्पेस हम अलोकेट कर सकते हैं, जबकि मैलोक में हम सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस अलोकेट कर देते हैं, मल्टीपल ब्लॉक। तो दिस अलोकेट कंटिगस साइज स्पेस ऑफ एन ब्लॉक्स ईच ऑफ साइज एलिमेंट साइज बाइट्स ऑल बाइट्स इनिशलाइज टू जीरो एंड अ पॉइंटर टू फर्स्ट बाइट ऑफ द अलोकेट रीजन। तो यहाँ से आप वही सेम जो चीज़ है कि कैलोक फंक्शन मेमोरी में साइज अलोकेट करेगा, उसके बाद यहाँ पर साइज अलोकेट होने के बाद कंडीशन ट्रू होती है या मेमोरी में साइज अवेलेबल रहती है तो ये पॉइंटर को मेंस असाइन कर देगा, और यदि स्पेस नहीं रहता तो वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप छोटा सा प्रोग्राम है स्ट्रक्ट, और यहाँ पे डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किए, और यहाँ पे टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड रिकॉर्ड पॉइंटर स्टूडेंट पॉइंटर इन क्लास साइज 30, और फिर यहाँ पे हमने स्टूडेंट पॉइंटर एक लिया और रिकॉर्ड पॉइंटर कैलॉग साइज और साइज ऑफ। तो यहाँ पे आपकी जो भी साइज होगी वो यहाँ पर अलोकेट हो जाएगी स्टूडेंट पॉइंटर में। तो इस तरह से कैलॉग फंक्शन के थ्रू हम साइज को अलोकेट कर सकते हैं। फ्री फंक्शन विद द डायनेमिक रन टाइम अलोकेशन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज द स्पेस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जब हम मेमोरी में अलोकेट करते स्पेस तो उस स्पेस को फ्री भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अननेसेसरी उस स्पेस को हम अलोकेट करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो लास्ट में उसको एक फ्री फंक्शन का यूज़ करके उस अलोकेटेड स्पेस को लास्ट में हम फ्री करते हैं ताकि हमारा जो अलोकेटेड स्पेस है वो मेमोरी में फ्री हो जाए। द रिलीज ऑफ स्टोरेज स्पेस बिकम इम्पॉर्टेंट वैन द स्टोरेज लिमिटेड। तो इस तरह से जो हमारा सपोज स्पेस लिमिटेड है तो हम उसको फ्री करके मेमोरी सेकेंड टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी नो नीड टू ब्लॉक ऑफ मेमोरी
इट मे बी रिलीज दैट ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़। तो इस तरह से हम फ्यूचर में मेमोरी सेकेंड टाइम या फर्दर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री फंक्शन के थ्रू हम मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। फ्री पॉइंटर, यहाँ पॉइंटर का नाम देंगे, तो जो जो पॉइंटर ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है उस पॉइंटर को, क्योंकि हर बार जो हम मीन्स पॉइंटर जो हम लेते थे, जो पॉइंटर वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को जो हम स्पेस एलोकेट करते थे, तो वो पॉइंटर, यहाँ पर उस पॉइंटर की बात हो रही। पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू मेमोरी ब्लॉक विच हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय मैलोक और कैलोक। तो जो स्पेस एलोकेट करता था उसको हम फ्री करेंगे। यूज ऑफ एन इनवैलिड पॉइंटर इन द कॉल मे क्रिएट प्रॉब्लम एंड कॉज सिस्टम क्रैश। यदि हम आप इनवैलिड पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो सिस्टम क्रैश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है कि इट इज़ नॉट अ पॉइंटर दैट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय बट रादर व्हाट इट पॉइंट टू। मतलब जो आपने पॉइंटर जो यूज़ किया है, तो वो आपने पॉइंटर में जो वैल्यू असाइन की है या जो मेमोरी स्पेसिफाई किया, तो आप उसको जो आपको वैलिड पॉइंटर है वही यूज़ करेंगे, आप रॉन्ग नहीं करेंगे। टू रिलीज एन एरे ऑफ मेमोरी दैट वॉज एलोकेटेड बाय कैलोक वी नीड ओनली टू रिलीज द पॉइंटर वंस। तो आपने जो मेमोरी एलोकेट की है मेमोरी मेलोक कैलोक फंक्शन के थ्रू, तो आपको उसी पॉइंटर को रिलीज कर सकते हैं, एक ही बार रिलीज कर सकते हैं, आप उसको दो बार रिलीज नहीं कर सकते। री अलोक फंक्शन, अब री अलोक फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। एक तो जो आपने पहले जो मेमोरी अलोकेट की है वो मेमोरी हमें सफिशियंट नहीं है, मीन्स मुझे 20 बाइट्स की ज़रूरत है, जबकि हमने उसको 100 बाइट अलोकेट किया है। तो पहला केस ये हो सकता है कि हमने कम मेमोरी अलोकेट की है लेकिन हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, और सेकंड केस ये हो सकता है कि हमने मेमोरी मीन्स हमें हमने ज़्यादा अलोकेट कर ली, मीन्स 20 बाइट अलोकेट कर ली लेकिन मुझे 10 बाइट की ही ज़रूरत थी। तो ये दो केस हो सकते हैं, तो दोनों केस में हम रीअलोकेट फंक्शन के थ्रू यूज़ करके हम मेमोरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन बोथ केसेस वी कैन चेंज मेमोरी साइज ऑलरेडी अलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन रीअलोक। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो इस तरह से आप रीअलोकेट कर सकते हैं, जो आपने मेमोरी अलोकेट की थी पॉइंटर इज इक्वल टू मेलोक साइज, तो आपने मेलोक से मीन्स उसकी मेमोरी का अलोकेट किया था, तो पॉइंटर जो जो रीअलोकेट है, तो पॉइंटर रीअलोकेट पॉइंटर न्यू साइज। तो आप न्यू साइज जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं, और यहाँ पॉइंटर फिर उसको रीअलोकेट कर देगा और पॉइंटर में नई साइज को असाइन कर देगा। तो अब आप फंक्शन अलोकेट अ न्यू मेमोरी स्पेस ऑफ साइज न्यू साइज, तो यहाँ न्यू साइज एक वेरिएबल है, टू पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ न्यू मेमोरी ब्लॉक। द न्यू साइज मे बी लार्जर और स्मॉलर, यहाँ पर लार्जर स्मॉलर हो सकती है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोग्राम से आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम टू स्टोर कैरेक्टर स्ट्रिंग इन अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस क्रिएटेड बाय मेलोक एंड मॉडिफाई दैट टू स्टोर लार्जर स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम प्रोग्राम देखेंगे, जो मेमोरी हमने अलोकेट की थी मेलोक फंक्शन के थ्रू उसका मॉडिफाई भी करेंगे, और हम उस जो मेमोरी हमने जो ऑक्यूपाई की है उससे हम लार्जर मेमोरी मॉडिफाई करके लार्जर मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। तो हैज़ डिफाइन नल, यहाँ पे हमने नल को हमने यूज़ किया, मेन यहाँ पर मेन फंक्शन, यहाँ पे कैरेक्टर बफर, एक बफर हमने वेरिएबल लिया पॉइंटर, और इसके बाद इफ़ बफर इज इक्वल टू कैरेक्टर पॉइंटर, यहाँ पे हम मेलोक फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर हम उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, और मेमोरी यदि अवेलेबल रहती है तो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएगी, और मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो वो नल इक्विवेलेंट होगा, तो मेलोक फेल्ड मीन्स मेमोरी ऑक्यूपाई अवेलेबल नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे हो रहा, और यहाँ पे प्रिंट एफ, यदि मेमोरी अवेलेबल होती है तो फिर मैसेज फिर यहाँ प्रिंट होगा कि बफर ऑफ साइज क्रिएटेड। तो जो भी हमने साइज यहाँ पे दी है वो क्रिएट हो जाता है 10 साइज का, यहाँ पे 10 साइज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको स्ट्रिंग कॉपी मीन्स एक स्ट्रिंग फंक्शन लिया बफर, और यहाँ पे हमने भोपाल, तो हम हमने भोपाल स्ट्रिंग को बफर मीन्स यहाँ स्टोर कराया स्ट्रिंग कॉपी में, और फिर भोपाल
प्रिंट बफर कंटेंट, तो यहाँ पे हमने बफर जो भोपाल है वो प्रिंट हो जाएगा, तो बफर में भोपाल कॉपी होगा और इसके बाद यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो बफर में भोपाल यहाँ प्रिंट होगा। फिर सेकंड टाइम इफ बफर कैरेक्टर री अलो, अब सेकंड टाइम हमने मेमोरी अलोकेट की, री अलोक मीन्स यहाँ मेमोरी मॉडिफाई की, और बफर 15, अभी हमने 10 साइज ली थी, अब हमने बफर मीन्स उसकी साइज हमने इंक्रीज कर दी 5 से, तो यहाँ 15। तो यहाँ पर फिर वही सेम मैसेज, यदि साइज अवेलेबल रहेगी मेमोरी में तो वो अलोकेट हो जाएगी, ओके, और यदि नहीं रहेगी तो मैसेज प्रिंट करेगा कि रीअलोकेशन फेल्ड। तो आगे देखते हैं कि बफर साइज मॉडिफाइड, तो प्रिंट फिर मैसेज प्रिंट होगा बफर साइज मॉडिफाइड, एंड फिर नेक्स्ट होगा प्रिंट है बफर स्टिल कंटेन बफर, तो यहाँ पे जो मैसेज है बफर में जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू होगी। इसके बाद स्ट्रिंग कॉपी, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी लिया बफर मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश जो है बफर वेरिएबल में कॉपी होगा, और फिर इसके बाद बफर यहाँ हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट बफर नाउ कंटेंट जो भी मध्य प्रदेश यहाँ कॉपी हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में जो फ्री जो हमारा फंक्शन है बफर, तो बफर में हमने जो भी अलोकेट किया था कॉपी किया था वो लास्ट में बफर में जो भी साइज जो अलोकेट की थी उसको फ्री करेगा, तो फ्री फंक्शन उसको फ्री करेगा मेमोरी को। तो यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमने बफर साइज 10 जो हमने क्रिएट किया था, तो सेम मैसेज यहाँ प्रिंट होगा, उसके बाद बफर कंटेन भोपाल, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो हमने प्रिंट किया था भोपाल, तो जो फर्स्ट टाइम क्रिएट हो किया था और जो हमने कॉपी किया था जो भोपाल स्ट्रिंग वो प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर हमने सेकंड टाइम री अलोकेट की थी साइज, तो बफर साइज मॉडिफाई, तो जो हमने सेकंड टाइम जो उसकी साइज 10 की जगह 15 हमने री अलोकेट किया था, तो यहाँ पे जो सेम मैसेज प्रिंट होता है बफर साइज मॉडिफाइड, तो बफर साइज मॉडिफाइड प्रिंट होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ये सेम मैसेज प्रिंट होगा, तो बफर स्टिल कंटेन, तो साइज को अलोकेट होने के बाद हमने बफर में जो भी हमारा पहले भोपाल था तो वो भोपाल फिर से प्रिंट करता है, मतलब 15 साइज में भी भोपाल प्रिंट करता है। उसके बाद फिर हमने मध्य प्रदेश लिया, तो मध्य प्रदेश लिया, तो इसके बाद हमने मध्य प्रदेश को यहाँ प्रिंट किया, तो यहाँ पर आपने मध्य प्रदेश जो हमारा वर्ड था उसको हमने बफर में कॉपी किया, तो और फिर बफर हमने प्रिंट किया, मीन्स बफर वेरिएबल को यहाँ हमने प्रिंट किया। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आप एक बार बना के ज़रूर देखना टर्बो में, और रन करके देखना, और फिर किस तरह आपको ये सेम आउटपुट आता नहीं आता, तो इस तरह से आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका प्रोग्राम सही सही रन हुआ या कोई प्रॉब्लम आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक